क्लोज कर देते हैं। अब हमें एक और जावा क्लास क्रिएट करनी होगी जो हमारा व्यू होल्ड करेगी। इसका नाम हम रखेंगे व्यू होल्डर, व्यू होल्डर। ओके तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्यू होल्डर क्लास क्रिएट हो गई है। अब हमें इसे एक्सटेंड करना होगा, तो चलिए हमें सिंपली एक्सटेंड्स रिसाइक्लर व्यू डॉट व्यू होल्डर। तो अब यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है और उस एरर को दूर करने के लिए आपको इस रेड बल्ब पे क्लिक करके क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर इम्प्लीमेंट करना है। तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो गई है और एरर भी दूर हो गया है। हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है व्यू व्यू, देन उसके बाद हम व्यू होल्डर मेथड के अंदर आएंगे और इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे व्यू इक्वल्स टू आइटम व्यू, देन मैं सिंपली मेथड क्रिएट करनी है पब्लिक वॉइड सेट डिटेल्स, देन कंटेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट देन स्ट्रिंग टाइटल स्ट्रिंग इमेज एंड देन उसके बाद टेक्स्ट व्यू एम टाइटल टीवी equals to view dot find view by id r dot id dot r title view के बाद image view m image tv equals to view dot find view by id r dot id dot image view r image view it's again title view r image view. So now we declared the variables and given the reference. Now तो अब हमने वेरिएबल को रेफरेंस दे दिया है। इसके बाद तो हमने वेरिएबल्स को रेफरेंस दे दिया है, तो हमें लिखना है एम टाइटल टी वी डॉट सेट टेक्स्ट टाइटल, और उसके बाद यहाँ पे जो हमने लाइब्रेरी ऐड की थी उसकी ज़रूरत पड़ेगी पिकासो पिकासो डॉट गेट के बाद डॉट लोड इमेज देन डॉट इनटू एम इमेज टीवी, सो मेक इट टीवी और इसको यहाँ पे पीसी से टीवी। तो अब हमारी व्यू होल्डर डॉट जावा क्लास क्रिएट हो गई है। तो अब हम चलते हैं अपनी न्यू क्लास की ओर मेन एक्टिविटी डॉट जावा। तो अब हम इस पार्ट की कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम रिसाइक्लर व्यू के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे रिसाइक्लर व्यू एम रिसाइक्लर व्यू। उसके बाद फायरबेस डेटाबेस, तो फायरबेस डेटाबेस। उसके बाद डेटाबेस रेफरेंस, तो हम देंगे रेफरेंस
उसके बाद हम आ जाएंगे ऑन क्रिएट मेथड के अंदर, और यहाँ पे हम सबसे पहले रिसाइकलर व्यू को, एम रिसाइकलर व्यू को रेफरेंस देंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट रिसाइकलर व्यू, उसके बाद एम रिसाइकलर व्यू डॉट सेट हैज फिक्स्ड साइज, सेट हैज फिक्स्ड साइज सम ट्रू पास करेंगे। उसके बाद एम रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, लेआउट सेट कर देंगे, सेट लेआउट मैनेजर, देन न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, दिस और डन। अब इसके बाद हम डेटाबेस का रेफरेंस देंगे, उसके लिए फायरबेस डेटाबेस इक्वल्स टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस, उसके बाद रेफरेंस इक्वल्स टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट रेफरेंस, और रेफरेंस के अंदर हमें उस चाइल्ड का नाम देना है जिसके अंदर हमने डेटा सेव किया है। तो ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको वही लिखना है जो आपने स्टोरेज में, आई मीन रियल टाइम डेटाबेस में जो चाइल्ड यहाँ पे क्रिएट की थी। जैसा कि आप देख सकते हो कि यह डेटा, तो हमें सेम वैसा ही एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद तो अब यहाँ पे हम ऑन स्टार्ट मेथड का यूज़ करेंगे, उसके बाद उसके अंदर हम लिखेंगे फायरबेस रिसाइकल एडाप्टर, फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर। तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फायरबेस रिसाइकल एडाप्टर, उसके बाद मेंबर कॉमा व्यू होल्डर, उसके बाद फायरबेस रिसाइकल एडाप्टर, देन इक्वल्स टू एंटर, उसके बाद न्यू फायरबेस रिसाइकल एडाप्टर। तो ये हमारी मेथड आ गई है पॉपुलेट व्यू होल्डर, इसके अंदर जाके अब हम लिखेंगे मेंबर डॉट क्लास एंटर आर डॉट लेआउट डॉट इमेज, जो हमने लेआउट फाइल क्रिएट की थी। उसके बाद व्यू होल्डर, व्यू होल्डर डॉट क्लास एंड देन रेफरेंस। तो एज यू कैन सी कि हमारा कोडिंग का आधा काम हो गया है। अब बस अब हम अंदर आ जाएंगे पॉपुलेट व्यू होल्डर मेथड के। तो यहाँ पे हमें लिखना है व्यू होल्डर डॉट सेट डिटेल्स गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, देन मेंबर डॉट गेट टाइटल, देन उसके बाद मेंबर डॉट गेट इमेज, और इसके बाद हमें अडाप्टर सेट करना है एम रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडाप्टर फायरबेस रिसाइकलर अडाप्टर। तो हियर यू कैन सी हमारा कोडिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब इसे रन करने से पहले आप एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल पे जाके, और ध्यान रखें कि जो आपका रूट लेआउट है वो रिलेटिव से चेंज करके उसको लीनियर लेआउट कर लीजिए, और उसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल सेट कर दीजिए, और एंड्रॉयड ये जो हमारा रिसाइकलर व्यू है इसको इस तरह कर दीजिए। तो
ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा ऐप को रन करने से पहले। और मैं इसका बैकग्राउंड, लेट मी डिलीट इट, तो अभी अच्छा दिखेगा। तो अब ऐप को रन करके देखते हैं कि इमेजेस रिट्राइव हो रही हैं कि नहीं हो रही। सो इट्स टाइम टू वेक अप सैम। मैंने अपने एमुलेटर का नाम रखा है सैम, तो उसको जगाते हैं और देखते हैं कि ऐप रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर आपको कोई एरर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताएं, मैं नेक्स्ट 24 आवर्स में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ हमारा ऐप, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी इमेजेस और डेटा हमारे ऐप में रिट्राइव हो गया है। तो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि आप किस तरह इस आइटम को क्लिक करोगे तो ये इमेज और डेटा नेक्स्ट एक्टिविटी में ओपन होगा। तो आपको सिर्फ जो स्टेप्स मैंने बताई हैं वो फॉलो करनी है, और अगर फिर भी कोई एरर आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर वीडियोज़, देन यू विल नॉट मिस एनी अपडेट।